हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरी चैनल टेक एंड पे सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले अगेन बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में, और साथ ही में बात करेंगे यस्टरडे नाइट को जो एप्पल इवेंट हुआ था उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुए थे उसके बारे में। हालांकि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने का सोचा, बट मैंने सोचा एक ही वीडियो में आपको सारी अपडेट दे दूँ ताकि आपका भी टाइम जो है वो कम बिगड़े और आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी की सारी अपडेट और न्यूज़ जो है वो मिल जाए। सो इस वीडियो में हम उस सारे प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को दबा के और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई। तो अब हम पहली अपडेट जो शुरू करते हैं वो पूरा एप्पल इवेंट से ही शुरू करेंगे और वन बाय वन मैं जो है एप्पल इवेंट के सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी अपडेट बताऊंगा। तो पहले जो सबसे पहले अनाउंस किया था वो था एप्पल आईफोन 12 और 12 मिनी, ये दो स्मार्टफोन के अंदर, ये दो मॉडल के अंदर जो है अब एक नया पर्पल कलर जो है वो लोग लेके आ गए, जिसका फ़ोटो जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये जो है इंडिया में भी अवेलेबल होने वाला है, यानी कि आईफोन 12 और 12 मिनी ये दोनों के ही अंदर सिर्फ ये पर्पल कलर जो है वो अवेलेबल होने वाला है। तो अब हम जो अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एप्पल टीवी 4K के बारे में, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो इसके स्पेसिफिकेशन जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, फोटोज़ भी जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और साथ ही में ये जो है वो 4K सपोर्ट के साथ ही आने वाला है। इसके अंदर हमें A12 बायोनिक चिप मिल जाती है, साथ ही में ऑल न्यू सीरी रिमोट भी आता है, हालांकि वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, इसके साथ नहीं आता है। साथ ही में 4K हाई फ्रेम रेट HDR का सपोर्ट भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है, और बाकी सारी जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं वो तो हमें मिलने ही वाली है। और साथ ही में इसके अंदर जो है मटेरियल यूज़ किया गया हुआ है वो भी 90% तक जो है रिसाइकल मटेरियल यूज़ किया गया है, जो एप्पल कहती है कि 2030 तक जो है पूरा एप्पल कॉरपोरेशन जो है जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सब जो है वो इको फ्रेंडली करने वाले, यानी कि जो 100% रिसाइकल प्रोडक्ट्स है वही यूज़ करने वाले हैं। हालांकि प्राइस भी जो है वैसा ही रखा गया है। अगर हम बात करें जो एप्पल से रिमोट जो आप अलग से ले सकते हो जिसके अंदर हमें साइड में सीरी बटन मिल जाता है, उसकी प्राइस रखी गई है इंडिया में 5,800 रुपीज़। 32 GB वाला अगर आप टीवी लेना चाहते हो एप्पल टीवी 4K, उसकी प्राइस रखी गई 18,990। और 64 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई है 20,900 रुपीज़, जिसे आप एप्पल की वेबसाइट से या फिर ऑथोराइज स्टोर से जो है आप नज़दीक के टाइम में अंदर जो है इसे परचेस कर सकते हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है एप्पल के एयर टैग्स के बारे में है, जो काफ़ी टाइम से इसकी अपडेट आ रही थी कि कब लॉन्च हो गए। सो यस्टरडे जो है अनाउंस हो चुके, लॉन्च हो चुके हैं, जो जिसकी फोटोज़ जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। साथ ही में U1 चिप के साथ ही आता है, IP67 का भी जो है इसके अंदर सर्टिफिकेशन हमें मिला हुआ है। 1 साल तक जो इसकी बैटरी आराम से चल जाएगी, हालांकि इसे आपको कहीं भी लगाने के लिए जो एप्पल की तरफ से जो एसेसरीज आती है कीचेन की तरह वो आपको लेना ज़रूरी है, वरना ऐसे ही आप इसे कहीं पर भी रख नहीं सकते हो। और ना ही इसके अंदर जो है एक ऑफ़र दिया गया हुआ है, यानी कि अगर आप इसे सिंगल यूज़ करते हो इंडिया के अंदर, सिंगल परचेस करते हो यूज़ नहीं करते हो, तो 3,190 रुपीज़ जो इसकी प्राइस रखी गई है। अगर इसे पैक ऑफ 4 अगर आप लेते हो तो कुछ अराउंड आपको ये अवेलेबल होने वाला है 10,900 के आसपास। हालांकि अगर इसे हम कंपेयर करें US की प्राइस से तो काफ़ी प्राइस ज़्यादा रखी गई है, बट ठीक है, टैक्स और वो सब मिला कि इंडिया में वैसे भी प्राइस ज़्यादा होती ही है एप्पल प्रोडक्ट्स की, और मुझे लगता है कि ये इतना वर्थ इट नहीं है अगर आप मेरा ओपिनियन मानो तो। अगर कुछ जो टैग्स आते हैं ऐसे जैसे कि सैमसंग का है, उसके अंदर हम किचन जो है वो लगा सकते हैं, कोई भी किचन लगा सकते हैं जैसा हम चाहे वैसा, इसके अंदर जो है वो किचन का जो होल आता है वो नहीं दिया गया, यानी कि आपको स्पेशली जो है एप्पल का किचन ही लेने पड़ेंगे जब तक जो है किसी और ब्रांड के आपको इसके सपोर्टेड जो है एप्पल किचन्स नहीं मिल जाते एयरटैग्स के लिए तब तक। सो मुझे लगता है कि पहले 3,200 का ये लो, फिर उसके बाद किचन की भी जो है अलग से प्राइस होने वाली है। सो मुझे नहीं लगता कि ये इतना वर्थ इट है। और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की आदत ज़्यादा रखेंगे उतना ही जो है हम अपनी चीज़ों को लेके केयरलेस हो जाएंगे। सो मेरा ओपिनियन ये है कि हो सके तो अवॉइड करो ऐसे एयरटैग्स को यूज़ करना, ताकि आप ज़्यादा जो है याद रख सको और ख्याल रख सको अपनी चीज़ों का खुद ब खुद। तो अब बात करते हैं एप्पल के नए iMacs के बारे में, जो एप्पल की तरफ से जो है मुझे सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट लगा यस्टरडे। हालांकि प्राइस भी वैसे ही नहीं रखी गई है, बट काफ़ी स्लिम बना दिया है और नए 7 अट्रैक्टिव कलर्स के अंदर जो है इस बार इन लोगों ने ये लॉन्च की है। साथ ही में जो ट्रैक पैड होते हैं वो भी सेम कलर कॉम्बिनेशन के अंदर लॉन्च किए गए हुए, साथ ही में जो मैजिक माउस है वो भी जो है सेम इसी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो लॉन्च किए गए हुए। साथ ही में कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में भी जो है हमें एक टच आईडी वाला कीबोर्ड मिल जाता है, हालांकि वो आपको अलग से परचेस करना रहता है। साथ ही में उसके अंदर भी जो है हमें अलग अलग जो कलर कॉम्बिनेशन वाले जो है कीबोर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो
स्पेसिफिकेशन प्लस प्राइस के बारे में भी हम बात करेंगे। सो इसके अंदर जो हमें 8 कोर CPU प्लस 7 कोर GPU वाला जो मॉडल है और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 119,900, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ ही आता है। स्पेसिफिकेशन सब में सेम मिल जाएगा आपको, M1 चिप के साथ ही आता है, iMac नए 4.5K रेटिना डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही में इसके अंदर हमें जो है 6 स्पीकर का जो है साउंड सिस्टम भी देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया और नया है। साथ ही में बात करें आगे कि जो दूसरा मॉडल है इसके अंदर वो है 8 कोर CPU प्लस 8 कोर GPU वाला, जिसके अंदर भी हमें स्पेसिफिकेशन सारे सेम मिलने वाले, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस आने वाला है। 8GB रैम प्लस 256GB की प्राइस रखी गई है 139,900, 8GB प्लस 512GB वाले वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 159,900 रुपीज़। साथ ही में इसको आप ऑर्डर कर पाओगे 30 अप्रैल से इंडिया के अंदर और ये अवेलेबल आपको होने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ मई में या उसके बाद, यानी सेकेंड हाफ ऑफ मई के बाद जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगेन इसे आप अपने एप्पल के ऑथराइज नज़दीकी स्टोर से और एप्पल वेबसाइट के ऊपर से जो है आप इसे परचेज कर सकते हो। हालांकि प्राइस जो है आप अभी एप्पल की जो है कम मत समझना, ये प्राइस जो आगे जाके बढ़ने ही वाली है। और जब मुझे शॉक तब लगा जब iPad Pro की जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा तब आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इतना प्राइस आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा एक iPad के लिए। देखते आगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब बात करने वाले हैं हम एप्पल के नए iPad Pro के बारे में। तो ये iPad जो है जिस तरह से रूमर्स और लीक्स निकल के आ रहे थे कि M1 चिप के साथ आने वाला है और साथ में ये भी कहा जाता है कि शायद मिनी लॉन्च हो सकता है iPad मिनी, बट मिनी लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ iPad Pro के दो मॉडल लॉन्च हुए हैं, एक 11 इंच का और एक 12.9 इंच वाला जो है मॉडल लॉन्च किया गया हुआ है और ये M1 चिप के साथ ही लॉन्च किए गए हुए हैं। साथ ही में उसकी फोटोज़ जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, हालांकि रियर कैमरा के अंदर इतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है बट सेल्फी कैमरा में जो है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है, 12 मेगापिक्सल का हमें कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही में बात करें कि इसके अंदर हमें अप टू 2TB की स्टोरेज जो है वो मिलने वाली है, अप टू 16GB तक की जो है हमें मेमोरी मिलने वाली है। साथ ही में 4 स्पीकर ऑडियो सिस्टम इसके अंदर हमें मिल जाता है, साथ ही में लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले जो है वो हमें 12.9 इंच वाले मॉडल के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब 11 इंच का जो स्टार्टिंग प्राइस है iPad का, iPad Pro का, वो है 71,900 रुपीज़ और जो 12.9 इंच वाला जो मॉडल है उसकी प्राइस है 99,900 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ एक iPad की प्राइस। हालांकि बाकी सब एसेसरीज अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो तो अलग से परचेस करना पड़ेगा, उसका प्राइस ऐड होगा, वो अलग की बात है। बट 2TB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई है 1,98,900 रुपीज़। स्पेसिफिकेशन सारे के सारे सेम, बट आपको स्टोरेज अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको पे करना पड़ता है 2 लाख रुपये ऑलमोस्ट। मैं इसे वर्थ इट नहीं समझता हूँ यार, ऐसा कौन सा काम है जो आप iPad में करते हो वो आप इसके MacBook के अंदर नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा बेटर है कि आप इसका MacBook ले लो, ये मेरा ओपिनियन है, दुनिया क्या सोचती है उससे मुझे कुछ लेना नहीं है, मैं सिर्फ आपको मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। और आप भी मुझे अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके कि आप क्या सोचते हो ये iPad Pro के बारे में, iMac के बारे में। तो अब जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले वो है ओप्पो के स्मार्टफोन के बारे में। तो ओप्पो की तरफ से आने वाला K9 स्मार्टफोन जो है वो मई 6 को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है, जिसके स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके फोटोज़ जो है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 6.43 इंच का जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाता है, AMOLED डिस्प्ले आने वाला है, साथ ही में स्नैपड्रैगन 765G या फिर 768G SoC के ऊपर ये रन करता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। 8GB रैम के साथ ही स्मार्टफोन आएगा, 64MP का हमें ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है, साथ ही में 4200mAh की बैटरी प्लस 65W का फास्ट चार्जिंग के साथ ही आने वाला है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन क्या केसेस, एक्चुअली जनरली वहाँ पे ऑनलाइन ही सेल होती है, बट पता नहीं क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, और अगर आता है तो क्या रीबैच होकर किसी और नाम से शायद आ सकता है, कन्फर्म नहीं है, बट देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे जो है ये K9 सीरीज में लॉन्च होते हुए देखने को मिलती है चाइना के। अब जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो रियलमी की तरफ से आने वाला Q3 जो 22 अप्रैल को चाइना में लॉन्च होने वाला है, अब उसका जो पूरा रियल लुक है वो सामने निकल के आ गया, जो आप स्क्रीन पे देख पाओगे, कहीं ना कहीं ये हमें रियलमी 8 की याद दिलाता है, जिस तरह से डेड टू लिप का ब्रांडिंग हमें देखने को मिलता है, जो कलर है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि और कौन सा स्पेसिफिकेशन के साथ हमें रियलमी Q3 जो है वो देखने को मिलने वाला है। जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले वो है रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो रेडमी की तरफ से आने वाला K40 गेम एनहेंस एडिशन जो है, अब उसका एंटीटू स्कोर निकल के सामने आया, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 7,24,000 के ऊपर जो इसका स्कोर निकल के आया है जो काफ़ी अच्छा है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई है रेडमी की तरफ से ही, जो खुद उन्होंने वीवो के ऊपर जो है वो पोस्ट किया था, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में रेडमी K40 गेम एनहेंस एडिशन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। अब देखते हैं कि जब ये मार्केट में आता है, और इंडिया के अंदर ये पोको ब्रांड के अंदर आने वाला है, बट कौन से नाम से आने वाला है वो अभी तक पता नहीं चला है। देखते हैं कि इंडिया में ये स्मार्टफोन अगर आता है तो कौन से प्राइस
प्राइस में हमें देखने को मिलता है। जिस लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो की तरफ से ओप्पो बैंड एक नया लॉन्च होने वाला है और साथ ही में ओप्पो एनको एयर जो है जो TWS है वो भी हमें K9 के साथ ही जो है चाइना के अंदर 6 मई को लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब देखते हैं कि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी प्राइस पे चाइना में लॉन्च होते हैं। हालांकि ओप्पो की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो मुझे काफ़ी और जो रेडमी है वीवो है उसकी क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर मुझे बताया जाए कि चाइना के ये जो स्मार्टफोन है ओप्पो वीवो देन शाओमी उसमें से कौन सा पसंद करूँगा लेना, तो मुझे लगता है कि मैं ओप्पो को ज़्यादा चूज़ करूँगा बिल्ड क्वालिटी वाइज और परफॉर्मेंस वाइज भी। तो के बारे में बात करने वाले वो है सैमसंग के F52 स्मार्टफोन के बारे में, 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो टीना सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर देखा गया है, जिसकी फोटोज जो है मैं आपको स्क्रीन पर देखा रहा हूँ आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमें 6.57 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिलने वाला है। साथ ही में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 4350mAh की बैटरी, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ ही आएगा। और हालांकि इसकी थिकनेस देखे फ़ोन की तो काफ़ी थिक हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि क्यों इतना थिक इसे बनाया गया हुआ है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा कुछ दी नहीं गई है, बट उसके बाद भी ये फ़ोन देखने में काफ़ी थिक नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे ये हमें स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के बारे में, तो Realme Watch 2 जो है अब वो BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है वो लिस्ट हो चुकी है, यानी कि शायद और ये भी कहा जा रहा है कि Watch 2 Pro भी जो है वो भी जब ये Watch 2 लॉन्च होगी इंडिया के अंदर तब उसके साथ ही लॉन्च होने वाली है, पर उसका कुछ मॉडल नंबर या BIS सर्टिफिकेशन जो है वो निकल के सामने नहीं आई है। फिलहाल के लिए Watch 2 जो है BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर देखी गई है, यानी कि बहुत जल्दी इसका लॉन्च हमें देखने को मिलने वाला है नज़दीकी टाइम के अंदर। अब जो मैं आपको आज के आखिर पर बताने वाला हूँ वो है Amazon की तरफ से, यानी कि Amazon की तरफ से जो है Alexa Cube जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया गया हुआ है, जिसका फोटोज़ जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमें सारी एप्लीकेशन जो है सपोर्ट मिल जाता है, Netflix ले लो, Amazon Prime ले लो, Z5 ले लो, Amazon Music ले लो, जितनी भी एप्लीकेशन है Disney Hotstar ले लो, सारी की सारी एप्लीकेशन का सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही में Alexa वॉइस रिमोट भी इसके साथ आने वाला है बॉक्स के अंदर, साथ ही में इथरनेट अडप्टर भी मिलने वाला है, IR एक्सटेंड केबल मिलने वाला है, साथ ही में सपोर्ट फॉर 4K अल्ट्रा HD का भी सपोर्ट हमें देखने को मिलने वाला है। और इसकी जो प्राइस रखी गई है इंडिया के अंदर वो है 12,999 रुपीज़। हालाँकि क्यूब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे ऐसे डिज़ाइन जो है ज़्यादा पसंद आती है, बट कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी ये होता है कि इतने गैजेट लॉन्च होते हैं हम इसे रखेंगे कहाँ घर के अंदर, यानी कि कभी कभी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन देख के ऐसा मन करता है कि हम इसे परचेस कर ले, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वही प्रोडक्ट ले जो आप सही में उसका ज़्यादा आपके पास यूज़ होने वाला हो, वरना क्या होगा अगर हम पैसा खर्च करके कुछ प्रोडक्ट लेते हैं थोड़े दिन हम यूज़ करेंगे फिर वो ऐसी ही जो है वो घर पर पड़ी रहेगी। सो ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर आप अपने पैसे डाल के जो है वो वेस्ट ना करें, वो पैसा आप कहीं और चीज़ों में लगाए जो आपको काम आ सके। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मुझसे कुछ पूछना चाहता हो तो इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पे जाके टैग एंसर करके वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं शॉर्ट रिप्लाई दूंगा। मेरे लिए कोई सजेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाकर और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।